देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। दबंगों ने पीड़ित के मकान पर किया कब्जा कर बेघर। पीड़ित की कहीं सुनवाई न होने से परेशान पीड़िता ने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने की अनुमति जिलाधिकारी से मांगी। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित हाजीगंज खुर्द के रहने वाले राकेश कुमार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाते हुए बताया कि उनकी पैतृक जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और उनको बेघर कर दिया। उन्होंने बताया कि बुधवार की रात जब अपने घर आए तो देखा कि उनका सामान बक्सा घर के बाहर पड़ा था। जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान पति पत्नी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से न्याय न मिलने पर हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाने की अनुमति मांगी। उनका कहना था कि इस हिंदू धर्म में उसकी कोई सुनता नहीं है, कम से कम मुस्लिमों की सुनवाई तो की जाएगी। सरकार भी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहीं जिले के समाजसेवी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्रा ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जिलाधिकारी से मुलाकात कर जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। 116 दर्ज कर दी गई। राहुल हर दिन इनके इनका कहीं ना थे और कहते हैं अगर तुम लोग देख लीजिए तो हम लोग जान से मार देंगे। भाई साहब को तो बंदूक दिखा के मार के 20 आदमी लेके आए मारने के लिए। भाई साहब वहीं पर बेहोश हो गए। ऐसे लोग हमारे पर भाड़ा लगवा दिए। हम 62 साल के हैं, हम गुंडे हैं, हम शांति फैला रहे हैं जनपद। अब पुलिस को जाके धमकाता है, पुलिस वाले उसी के पक्ष में रहते हैं। हम लोग थाना दिवस में गए, थाना दिवस में नहीं सुन पाए, सुबह से शाम वहाँ बैठे रहे हम सर गुंडा बना दो। हमने कोई सुनवाई नहीं की। चौकी बार बार बुलाते हैं, किसकी हत्या मुख्यमंत्री तक को किया हमने, फोन किया मुख्यमंत्री तक को, तब भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है, न पुलिस सुन रही है। मैं राकेश कुमार, सनाफ श्री पन्नालाल, मोहल्ला हाजीगंज खुर्द, कन्नौज। क्या मांग कर रहे हैं आज आप डीएम के यहाँ आए हैं? डीएम के यहाँ मांग ये कर रहे हैं कि हमारे भाई की पत्नी ने जो तीसरे की हिस्सेदार थी, कागजों में है, नगर पालिका में है, उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया और मकान तीन हिस्सों में बटा है। जो नीचे का सड़क के किनारे का मकान है उसकी कीमत होगी 50 लाख करीब, ठीक, और जो ऊपर का मकान है एक की कीमत होगी 2 लाख, एक की होगी 3 लाख। सवाल ये उठा कि भाई उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और जबकि उन्होंने लिखाया है तीनों जगह तिहाई हिस्सा लेने वाले ने। हमने उनसे कहा, चौकी पे हमको बुलाया गया, मैंने चौकी कहा, उनको भी बुलाया गया, उन्होंने कहा कि हम ताला खोल देंगे, आप रहिएगा। हम उसी में रहते थे, हमारे बच्चे, तीन बच्चे तो मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एक लड़की मेरी अब भी पढ़ रही है दिल्ली में हंसराज कॉलेज से, उसने BSc की है गार्गी कॉलेज से, एक लड़का LLM कर रहा दिल्ली में। यहाँ पर परेशानी ये हुई कि हमें जब हम आ गए यहाँ पर तो ना तो हमारे लिए दरवाज़ा उन्होंने बंद कर लिया, मैंने जब उनसे कहा ताला लगा है इसको खोलिए तो उन्होंने कहा हम खोल देंगे, फिर उन्होंने नहीं खोला। क्या वहाँ पर चौकी तलिया हुआ, क्या उन्होंने किया हमको नहीं जानकारी है। आपके मकान पर कब्जा फिर हुए? हाँ, फिर 25 तारीख मैं गया SP साहब के यहाँ, वहाँ पता चला कि 25 सितंबर को वहाँ थाना दिवस है, वहाँ पूरे दिन बैठे रहे और माननीय हमारे वो कौन थे आपके भाई कानूनगो से ऊपर कौन होते हैं, कब्जा किन लोगों के द्वारा किया गया, जिन्होंने खरीदा कुशवाहा जी ने, और वो दो लोग और उसमें हैं जिन्होंने मुझे गाली गलौज भी किया कि साले जो भी हो तुम कितने बड़े हो और कितने छोटे हो मैं नहीं जानता, साले पीट के, उसकी फोटो है मेरे पास, आप उसकी फोटो देखिए। क्या मांग, क्या अब क्या करना चाह रहे हैं? हमारा कहना ये है कि हम उसका अपना तिहाई हिस्सा वो ले ले जहाँ जहाँ उसका बनता जो लिखा पड़ी में, लेकिन बाकी हिस्सा छोड़ दे। हम सड़क पर रह रहे हैं, हम बगैर छत के सो रहे हैं, हम मेरी पत्नी बच्चे और लेटिन जाते हैं 4 बजे उठ के नाली में, कोई नहीं सुनता है। लेखपाल वहाँ पर थाने में बैठा रहा कि हम खाली करवा देंगे यहाँ से भेज दो, लेकिन वहाँ पूरे दिन सांठगांठ होती रही और लेटर हैं उसके। क्या मांग, क्या कर रहे हैं आप? क्या मांग मेरी मिट्टी परिवर्तन की बात सामने आ रही, क्या कहना चाहते भैया? जो हमारी कोई सुन नहीं रहा है, मेरे बच्चों पढ़ाई रुक जाए, हमारे पर मुकदमे यहाँ कायम किए जा रहे हैं, अभी हमको अभी
वहाँ SDM साहब के यहाँ जमानत हमें करवानी है। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।